राहत फतेह अली खान पर लगा विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग का आरोप। सूफी गायक राहत फतेह अली खान के गानों का हर कोई दीवाना है। वह अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हाल ही में राहत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो राहत पर विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग का आरोप लगा है। एक वेबसाइट के मुताबिक राहत को भारत में अवैध तरीके से 3,40,000 US डॉलर मिले थे। इनमें से राहत ने 2,25,000 डॉलर की स्मगलिंग कर दी थी। इस मामले की जांच कर रही एड ने राहत फतेह अली खान को फेमा के तहत शोकाज नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एड ने राहत से 2,61,00,000 रुपये की राशि को लेकर जवाब मांगा है। वहीं अगर एड राहत के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो उन पर 300% का जुर्माना लग सकता है। जुर्माना न भरने की स्थिति में राहत के खिलाफ भारत में लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है, साथ ही भारत में राहत के कार्यक्रमों पर भी रोक लग सकती है। बता दें कि साल 2011 में राहत को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर $1,25,000 के साथ गिरफ्तार किया गया था। राहत के पास इन पैसों के कोई दस्तावेज नहीं थे। राहत के साथ उनके प्रबंधक मारूफ और इवेंट मैनेजर चित्रेश को भी हिरासत में लिया गया था। इन लोगों को तब हिरासत में लिया गया था जब वे दुबई के रास्ते लाहौर जाने वाले थे। राहत के बैग से $24,000 जबकि दल के दो अन्य सदस्यों के बैग से $50,000 बरामद किए गए थे। ये तीनों 16 सदस्यीय दल का हिस्सा थे। बता दें कि राहत ने बॉलीवुड में साल 2003 सेकंड करियर की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म पाप में, लागी तुझसे मन की लगन, फिल्म इश्किया के गाने दिल तो बच्चा है जी गाया था। दिल तो बच्चा है जी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। अपना सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल डंके की चोट पे को जरूर सब्सक्राइब करें।